गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हमने जो पढ़ा हुआ था उसमें हमें ये पता चला कि जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो हमने देखा था जो पत्थर होते हैं कैसे वो घिसते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते हैं, कैसे उसमें क्रैक आता है, फिर उसके बाद उसमें पानी इकट्ठा होता है। तो वो सारा कुछ आपको क्लियर हो चुका है, पढ़ लिया आपने। और सर अगला जो टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी कितने तरीके के होते हैं। आपको पता ही है कि कुछ जगह पे आप देखोगे वहाँ पे बलुई मिट्टी होती है, कहीं पे चिकनी मिट्टी होती है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की मिट्टी पाया जाता है। तो उसी बेसिस पे, उसी आधार पे सॉइल को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पहले ये पढ़ लेते हैं। सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट इन नेचर। जो मिट्टी होती है अलग अलग जगह पे अलग अलग नेचर का होता है। क्यों? आप ऐसे समझ सकते हो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के पत्थर होते हैं, तो अलग अलग तरीके के पत्थर होंगे तो अलग अलग तरीके का मिट्टी भी अलग अलग जगह पाया जाएगा। सॉइल कंटेन स्टोन्स, सैंड, क्ले एंड लोम। जो मिट्टी होती है वो स्टोन कंटेन करता है, सैंड कंटेन करता है, क्ले कंटेन करता है और लोम कंटेन करता है। इट ऑल्सो कंटेन्स एयर एंड वाटर। और मिट्टी के अंदर पानी भी होता है, हवा भी होता है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं सॉइल के अंदर? स्टोन, सैंड, क्ले, लोम, एयर एंड वाटर। देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। तीन तरीके के की मिट्टियाँ होती हैं। पहला सैंडी सॉइल, दूसरा क्ले सॉइल और तीसरा लोमी सॉइल। तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि अलग अलग जगह पे अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो उसी आधार पे जो है ये मेनली तीन तरीके के सॉइल हुआ करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं सैंडी सॉइल के बारे में। सैंडी सॉइल क्या होता है? सैंडी सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ग्रेन्स और रॉक्स ऑफ और रॉक्स दैट आर जस्ट बिग इनफ टू सी। तो जो सैंडी सॉइल होते हैं इसमें जो पत्थर होते हैं उनके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो विजिबल हों, मतलब उसको हम देख सकें। उससे और ज़्यादा छोटा होता तो शायद हम उसको देख नहीं पाते। तो इतने ही बड़े होते हैं जिसको हम आसानी से क्लियरली देख पाएँ। द सॉइल ऑन द बीच इज़ मेनली मेड अप ऑफ सैंड। तो जहाँ पे भी समुद्र के किनारे का एरिया होगा, नदी के किनारे का एरिया होगा, ऐसे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे जनरली सैंडी सॉइल होता है। सैंडी सॉइल क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर घिसते हैं तो नदी के आसपास, नदी जो होती है, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, रिवर्स होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करता है। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो घिसता चला जाता है। घिसते घिसते क्या होता है, जो भी जहाँ जहाँ पे नदी का सोर्स होता है, रिवर का सोर्स होता है, वहाँ वहाँ पे अपने किनारे वो पहुँचाता चला जाता है। यही रीज़न है कि जो रिवर्स के पास का एरिया वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया में सैंडी होता है, और जो सी कोस्ट्स होते हैं, समुद्र के किनारे का एरिया, वहाँ पर भी सैंडी सॉइल ज़्यादा पाए जाते हैं। वाटर रन्स थ्रू सैंडी सॉइल क्विकली। सैंडी सॉइल के थ्रू वाटर बहुत जल्दी से पास कर जाता है। यही रीज़न है कि जहाँ पे सैंडी सॉइल होगा वहाँ पे पानी ज़्यादा देर तक इकट्ठा नहीं होता है, वो सारा सारा अंदर चला जाता है। इट इज़ ईजी टू डिग सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल को खोदना बहुत ज़्यादा आसान होता है। खोदना क्यों आसान है? क्योंकि इसके अंदर ये आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे से जुड़ नहीं पाते, बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है कि जैसे इसको खोदते हैं बहुत आसानी से इसको हम खोद सकते हैं। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। वही कह रहा है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स, उनके बीच में अगर स्पेस नहीं होता तो इसको खोदना ज़्यादा मुश्किल होता। ठीक है, तो सैंडी सॉइल में बस इतना ही बताया हुआ है कि सैंडी सॉइल जो होता है वो ज़्यादातर रिवर्स और सी कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादातर मिलते हैं। इनके जो ग्रेन्स होते हैं वो साइज़ बस इतना ही बड़ा हो सकता होता है कि हम उसको क्लियरली देख पाए। उससे और ज़्यादा छोटा होता तो शायद हम उसको नहीं देख पाते। ठीक है, तो यहीं पे हमारा सैंडी सॉइल ख़त्म होता है। फिर आता है क्ले सॉइल। क्ले, अगर आपको पता होगा, जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं वो क्ले से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्ले सॉइल की खास बात क्या है? क्ले सॉइल इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल ग्रेन्स और पार्टिकल्स। ये भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है क्ले सॉइल। बेसिकली जो भी ज़्यादातर सॉइल होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके ही बना होगा। दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन हैंडल,
वी कैन हार्डली सी देम। अगर हम बालू की बात करें, जो सैंडी सॉयल था उसमें बालू के एक एक दाने को आप क्लियरली देख सकते थे। इन जो क्ले सॉइल है ये इतना ज़्यादा छोटा है कि इसको आप क्लियरली देख नहीं सकते हो, एक एक दाने को अलग अलग नहीं देख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंडी सॉइल था उसके कंपेरिजन में क्ले सॉइल का जो साइज़ है वो रिलेटिवली छोटा है। ठीक है, दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें स्पेस कम होता है। सैंडी सॉइल में स्पेस ज़्यादा हुआ करता था इसलिए उसको आसानी से हम खोद सकते थे, लेकिन इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा कम होता है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन देम आर स्मॉल सो इट डज नॉट कंटेन मच एयर। इनके बीच में स्पेस कम होता है इसलिए ज़्यादा एयर ये कंटेन नहीं करते हैं। अगर सैंडी सॉइल की बात करी जाए तो उसमें एयर भी बहुत ज़्यादा पाया जा रहा था और वाटर भी बहुत ज़्यादा पाया जा रहा था। वेट क्ले इज़ स्टिकी एंड इज़ यूजली यूज फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयस। जो गीली मिट्टी होती है वेट क्ले होता है, गीला अगर क्ले मिट्टी है तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, चिपचिपा मिट्टी होता है ये। यही कारण है कि इसका यूज़ बर्तन बनाने में किया जाता है, बर्तन और खिलौने बनाने में। अभी दिवाली का भी टाइम आ रहा है तो दिवाली के टाइम में भी लोग दिया वगैरह बनाते हैं, और अभी के टाइम पे लोग थोड़ा सा बोलते भी हैं कि स्वदेशी यूज़ करो, कैंडल्स की जगह पे दिए जलाओ, ताकि वो जो गरीब दिए बना रहा है उसको भी थोड़ा सा आमदनी हो सके। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा कॉज है, इससे पॉल्यूशन भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, दिस सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। इस मिट्टी की खास बात क्या होती है कि इसमें अगर आपने पानी डाल दिया तो ये काफ़ी देर तक पानी वहाँ पे इकट्ठा रहता है। अब आप इससे ये समझ सकते हो कि जिस जगह पे बारिश होने के बाद पानी ज़्यादा इकट्ठा हुई है वहाँ पे सैंडी सॉइल तो नहीं होगा, क्ले सॉइल वो हो सकता है लेकिन सैंडी सॉइल नहीं होगा, क्योंकि सैंडी सॉइल अगर होता तो वहाँ पे जल्दी से पानी नीचे चला जाता और वहाँ पे सूख जाता ऊपर का सरफेस। दिस सॉइल इज़ गुड फॉर प्लांट्स लाइक पैडी, टोमेटो, चिली एंड प्रिंजल। ये जो सॉइल है इसके किसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? पैडी, पैडी मतलब क्या होता है, धान की खेती, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। टोमेटो की खेती, चिली की खेती और ब्रिंजल की खेती। ब्रिंजल को एग प्लांट भी बोलते हैं, एग प्लांट, ई डबल जी पी एल ए एन टी। ठीक है, ब्रिंजल को एग प्लांट भी बोलते हैं, तो ये आप ये नाम याद कर सकते हो, ये एक आपके वोकैबुलरी में एक और वर्ड जुड़ जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्ले सॉइल में ऐसे पौधों को उगाया जाता है जिनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉइल दैट इज़ द आइडियल प्लांट ग्रोइंग मीडियम। तो लोमी सॉइल ऐसे मिट्टियों का मिक्सचर है जो मिट्टी सबसे बढ़िया मिट्टी होती है, सबसे ज़्यादा अच्छे से इस तरह की मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, तो लोमी सॉइल बेसिकली मिक्सचर ऑफ सॉइल्स है जिसमें कई तरह की मिट्टियाँ आती हैं, जब वो सारी मिट्टियाँ आपस में मिक्स हो जाती हैं तो उससे जो नई मिट्टी बनती है उस तरह की मिट्टी में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे उगते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? लोमी सॉइल। ठीक है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमस इन इट। ह्यूमस हमने पहले पढ़ा हुआ था, ह्यूमस क्या होता है, जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं वो सड़ते हैं, उससे जो है प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो वही ह्यूमस था, ह्यूमस हमने पहले पढ़ा हुआ है। लोम इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल बिकॉज इट कंटेन्स एयर, वाटर एंड ह्यूमस। ये जो लोमी सॉइल था, लोमी और क्ले सॉइल में डिफरेंस क्या था, क्ले सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा नहीं था। ठीक है, लेकिन इस केस में ह्यूमस भी है, एयर भी है, वाटर भी। जो जो चीज़ें मिट्टी, जो जो चीज़ें पौधों को चाहिए होता है मिट्टी से, वो सारी चीज़ें लोमी सॉइल प्रोवाइड करती है। ह्यूमस इज़ मेड अप ऑफ पीसेज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ह्यूमस जो है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है? डेड एनिमल्स और प्लांट्स, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस की वजह से फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और ह्यूमस है क्या बेसिकली? जो सड़े गले पदार्थ होते हैं एनिमल्स के और प्लांट्स के, उसी को ह्यूमस बोला जाता है। प्लांट्स ग्रो वेल इन अ लोमी सॉइल। तो सबसे अच्छी फर्टिलिटी कौन से सॉइल की होती है? लोमी सॉइल की। लोमी सॉइल में पानी भी सब सफिशेंट अमाउंट में मिल रहा है, एयर भी सफिशेंट अमाउंट में है और ह्यूमस भी सफिशेंट अमाउंट में है। क्ले सॉइल में
पानी सफिशिएंट अमाउंट में है लेकिन एयर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, ह्यूमस सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है। जो सैंडी सॉइल है उसमें तो पानी इकट्ठा ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सॉइल हो गया लोमी सॉइल, ऐसा करके कुछ दिखता है, ठीक है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।